हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये FIN 621 के मिड टर्म के हाइलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर एन आइटम फॉर एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कौन सा आइटम है? वो है कलेक्शंस ऑन लोन, यानी कि लोन पे जो कलेक्शंस हो रही हैं वो आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता। बाकी परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड या परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नॉट बी क्लोज्ड टू द इनकम समरी। तो वो कौन सा होता है आपका? वो होता है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो अकाउंट होता है जो आपका मतलब चलता रहता है जब तक, ऐसी बात है, क्योंकि नए एसेट्स आते रहते हैं तो वो भी उसमें ऐड होते रहते हैं और पुराने एसेट्स जाते हैं, तो ये अकाउंट कभी बंद नहीं होता, समझ रहे? जिस तरीके से बैड डेट का अकाउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अक्रूअल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इंटरेस्ट अर्न बट येट नॉट टू बी रिसीव, यानी आपने इंटरेस्ट तो अर्न कर लिया, जैसे मिसाल दे दिया आपने बैंक में अपना सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा तो आ गया, लेकिन आप यानी मतलब अभी आपको पेमेंट नहीं हुई, पैसा नहीं आया आपके अकाउंट में, लेकिन ये कि बैंक ने कहा था कि भाई आपको 12% रिटर्न के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन आपको पता है कि आपको पेमेंट हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लेड टू द डिक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। तो किस चीज़ से डिक्रीज होती है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर से ऑनर्स इक्विटी जो है वो कम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट एसेट्स। तो सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन करना है। तो लाइकली टू चेंज बिफोर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर और नॉट ब्रॉड फॉर रीसेल, यानी कि ऐसी बात है किसी चीज़ को दोबारा बेचने के लिए, जैसे अगर आप सेल्स के लिए माल खरीदें तो उसको परचेज खरीदा आपने और फिर माल बेच दिया, तो इस चीज़ को नहीं रखें, यानी कि नॉट ब्रॉट फॉर रीसेल, यानी मतलब करंट एसेट जो होते हैं वो उनकी ये होता है ना कि आप खरीदें और उसको बेच दें, तो और जो आपने परचेज ही इसी मकसद के किया है कि आप इसको रीसेल नहीं करेंगे, तो ये सही आंसर है आपका। Which of the following transaction should be classified as a financial activity? तो क्या है? तो purchase of equipment नहीं, purchase of treasury stock, ये सही आंसर है आपका। Basic purpose of financial statement is to assist user in evaluation dash। तो किसके अंदर? फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही आंसर है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अ पीरियड वी डैश। क्या करते हैं? डूइंग दिस बाय स्टॉक टिकिंग। किसके जरिए करते हैं? डूइंग दिस बाय स्टॉक टिकिंग के जरिए। अ जर्नल एंट्री दैट हैज मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज नॉन एज, क्या कहलाई जाती है? वो कंपाउंड एंट्री कहलाई जाती है। अब जैसे मिसाल दे दिया है, आपने परचेस की कोई चीज़, ठीक है, आपने हाफ पेमेंट्स कैश कर दी, हाफ जो है वो अकाउंट्स पेबल में कर दी, जैसे 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 70 रुपये आपने कैश दे दिए और 30 रुपये जो है वो अकाउंट्स पेबल में चले गए, तो परचेस तो डेबिट हो गई और क्रेडिट जो है वो आपका अकाउंट्स पेबल भी हो गया और कैश भी हो गया। All of the following have an effect on operating activity while preparing the statement of cash flow except। तो क्या है? Amount received from disposal of fixed asset। जाहिर सी बात है ये तो आपकी उसके अंदर operating activity में नहीं आता, क्योंकि provision of doubtful debt, ये भी current gain loss करेंसी एक्सचेंज ये भी आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट ये सब आते हैं, लेकिन ये नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द करंट एसेट, ये पहले आ चुका है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट।
तो क्या है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो, जैसे आते हैं ऑडिट रिपोर्ट या 5 ईयर समरी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब पार्ट होते हैं, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो होते हैं वो पार्ट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडजस्टिंग एंट्री, तो कौन सी होती है, वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अक्रूअल, अक्रूअल तो इंटरेस्ट अर्न एंड येट नॉट टू बी रिसीव, ये पहले भी आ चुका है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रीजन्स फॉर डिफरेंस बिटवीन द नेट इनकम एंड नेट कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द पर्टिकुलर पीरियड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो वो क्या है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको बता देता है कि भाई क्या आपने ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, कैसे ख़रीदा और कितना पैसे आपकी तरफ आए, समझ लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका और पर्पज़ यही होता है, और कितने आपसे पैसे गए। अब ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ, किसका है, अकाउंटिंग साइकिल की एंड प्रोडक्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। व्हेन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर द इनडायरेक्ट मेथड, सप्लीमेंटल डिस्क्लोजर शुड बी मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो किस लिए बनाए जाते हैं, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस वुड नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज अदर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन अ मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या आंसर है सही आपका, इंटरेस्ट एक्सपेंस। द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेस फॉर 10 ईयर्स इन अ सेविंग स्कीम विल बी क्लासिफाइड, क्या होगा वो होगा लॉन्ग टर्म एसेट, फिक्स एसेट तो नहीं है क्योंकि ऐसी बात है इन्वेस्टमेंट की है, कोई गाड़ी या कोई घर या फिर कोई अपना प्लॉट में इन्वेस्ट करते तो वो फिक्स एसेट में जाता है, लेकिन ये तो कैश इन्वेस्टमेंट, कैश यानी मतलब बॉन्ड्स खरीद ले, शेयर खरीद ले, ये सब चीज़ें, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगी। एन एडवांटेज ऑफ ऑफ द स्टेप सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट ओवर द मल्टीपल स्टेप फ्रॉम इज, क्या होगा, सिंप्लिसिटी, जैसे आते सिंप्लिसिटी होगी, आसानी से आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करंट एसेट, तो रेंट पेबल फॉर नेक्स्ट मंथ, पेड फॉर नेक्स्ट मंथ यानी कि आपने पहले से ही एडवांस पे कर दिया, कैश एट बैंक, जैसे आते इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स, तो ये सारे के सारे जैसे आते, हाँ अगर इन्वेस्टमेंट फॉर स्टॉक टू मोर देन 1 ईयर्स होता तो वो नहीं होता ऑप्शन, तो उसका ऑप्शन यानी कि मतलब वो सही नहीं होता, तो इसलिए सारे के सारे ठीक है क्योंकि सिर्फ 2 महीने 2 हफ्ते के लिए ही आपने किए इन्वेस्टमेंट। अ बिजनेस हैज़ परचेज अ बिल्डिंग ऑन कैश, हाउ इट वुड बी रिकॉर्ड इन द जर्नल, तो कैश पे बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग आपकी डेबिट होगी, ठीक है, और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 आइटम रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द हेडिंग्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्या है, द यूनिट ऑफ मेजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मेंशन यानी कि मतलब नहीं होते, शो यानी कि नहीं किए जाते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।